फैसल भाई, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा, एक सवाल और इसमें जोड़ लीजिएगा। एक तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपको, आप कितने रिस्ट्रिक्ट हैं एज एन एक्टर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी आपका दिल नहीं भी चाह रहा होता, बट आपके सबके एक रिलेशन होते हैं चैनल के साथ, तो आपको वो काम करना पड़ता है फर्स्ट। एंड सेकेंडली, जो प्रमोशन है इंटरनेशनली, चैनल तो देखें अपने पैसे हर जगह से कमा सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट से भी कमाता है, डिजिटल जो सेटेलाइट राइट्स होते हैं या डिजिटल सोशल मीडिया राइट्स होते हैं उससे भी उनको बहुत ज़्यादा अर्न होता है, बट एज एन एक्टर और डायरेक्टर और टेक्निकल टीम, वो वन टाइम के बाद उनको कोई पैसे नहीं मिलते, मतलब आगे कोई ऐसा नहीं चलता कि आपको रेफरल मिले या उसके बाद आपको जो पैसे आते जाएं तो उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान में ये है कि हम वन टाइम राइट सारी चीजों के बेच देते हैं, बल्कि इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है। मैं तो कहता हूँ कि जितना मैंने काम किया है, अगर उसकी रॉयल्टी मुझे मिल रही तो शायद इस वक्त मैं मल्टी बिलियनियर होता। या एग्जैक्टली, इत्तेफाक ये है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में, और वो है कि बस आपने एक दफा बेच दिया राइट, आप उसके बाद आप बस कर लें। बाकी क्रिएटिव कोई ऐसा सच हमारे पास वो नहीं है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कोई तीन प्लेस किए सेवंथ स्काई के साथ, मुझे अभी एक और ऑफर हुआ, मैंने पढ़ा और मैंने एक्सक्यूज किया उसकी, उस पर मुझे किसी ने कोई फोन करके ये नहीं कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों मना कर रहे हैं। सो इतना अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम सही है कि आप मैं अब तक कोई, मेरे ख्याल से दिले मोमिन की शूट खत्म सितंबर के एंड में हुई है और दिसंबर चल रहा है, मैं कोई 6 सीरियल्स पढ़ चुका हूँ, नहीं समझ में आ रहे, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे फोन करके लड़ नहीं रहा इस बात पे। बात यह है कि हाँ, थोड़ा सा रॉयल्टी वाला तो एक बिल्कुल अलग सिस्टम है, लेकिन जो क्रिएटिव राइट है उस पे आपको नहीं इतना तंग किया जाता। और देखें, हर चैनल ने अपनी एक ऑडियंस बनाई है ये दुनिया भर में, आप नेटफ्लिक्स पे भी अगर अपना कोई सीरियल लेके जाते हैं तो वो भी आपको सर्टेन लाइंस देते हैं कि आपको इन लाइंस के अंदर ही जो है अपनी चीज बनानी है, ये नहीं है कि आप कुछ भी बना के लें, ठीक है ना, क्रिएटिव चीज होनी चाहिए, कॉपी ना हो, फलाना हो। तो वो अच्छा, फ्री टू एयर का मतलब मसला सबसे बड़ा ये है कि आप जो बिल्कुल ऑडियंस है घरों की, आप उनको दिखा रहे हैं, लोग फ्री टू एयर देख रहे हैं चीजों को, और ये जो पोर्टल्स हैं ये प्राइवेट व्यूइंग में आ जाता है, बिल्कुल आप अपनी मर्जी जब है आप तब देख रहे हैं। सो खैर, वो यूट्यूब पे जाने की वजह से चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई हैं, इसी वजह से थोड़ा सा कंटेंट पे भी काम जरा ज्यादा शुरू हो गया है, एंड वी आर होपिंग कि हमारे कुछ चैनल्स हैं जो कि अपने पोर्टल्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कंटेंट में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। सिराज ने बिल्कुल सच कहा है कि अगले 6-7 साल में बिल्कुल फेस चेंज आपको होता हुआ नजर आएगा जी। दिस इज एब्सोल्युटली।